हमारी तुलना वो कुत्तों से किया करते थे। अब मैं एक स्टेटमेंट आप लोगों को याद दिलाता हूं। जब मोदी जी को पूछा गया कि आप मुख्यमंत्री थे, 2002 में आपके मुख्यमंत्री रहते हुए दंगा हुआ, इसका आपको अफसोस है कि नहीं है? आपको हैरानी होगी और आपको शर्म आएगी कि मोदी जी ने क्या बयान दिया था। मोदी जी ने कहा कि मान लीजिए आप कार से जा रहे हो और आपके गाड़ी के नीचे में कोई कुत्ता का पिल्ला आ जाए तब भी आपको तकलीफ होता है। यह प्रधानमंत्री का बयान था। जैसे अंग्रेज हम हिंदुस्तानियों की तुलना कुत्तों से किया करते थे, वैसे ही अंग्रेजों के ये चापलूस आज भी हिंदुस्तानियों को कुत्ते से तुलना कर रहे हैं। ऐसी जो सोच है, इस सोच से हमको लड़ाई लड़नी है, इस सोच को हमको हराना है और इनको बताना है कि तुम तब भी जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो अंग्रेजों के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। आज भी जब हमारे संविधान के ऊपर हमला है, हमारी आजादी के ऊपर खतरा है, तो तुम इस देश के जो पूंजीपति हैं, जो आज के अंग्रेज हैं, उनके साथ बैठ करके चाय पे चुस्कियां ले रहे हो। ऐसी ताकत को जब तक हम परास्त नहीं करेंगे तब तक हमारी असली जीत नहीं होगी। इस बात की हम गारंटी करना चाहते हैं कि कोई नफरतवादी, हिंसावादी इस देश के भीतर नफरत और सांप्रदायिकता की जहर को नहीं फैला सकता है। जब जब ये सांप नफरत का फन उठाने की कोशिश करेगा, उस फन को हम कुचलेंगे। यह हमारा संकल्प है, यह हमारा संकल्प है।